सारे किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण व्याण आपका स्वागत करता हूं। आज आए हैं पूसा कृषि मेले में नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से मेला लगाया गया है जो 25 से 27 फरवरी तक लगा है। तो आज इसका लास्ट दिन है और आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा पूसा कृषि संस्थान के द्वारा जो बीज तैयार किए गए हैं उनके बारे में। तो किसान भाइयों अब हम हैं गेहूँ की स्टाल पर, यहाँ पर जो है पूसा के बीज दिखाए गए हैं। तो आइए मैडम से जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि कौन सी नई वैरायटी आई है और उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, कितनी वो निकलती है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। तो अब जो है पूसा की नई गेहूं कौन कौन सी वैरायटी आई है? नई गेहूं में हमारी ये 3271 है, यहाँ पे 3249 यहाँ पे लगी रही है, ठीक है। तो 3249 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए, इसकी पैदावार अच्छी है। मतलब असम साइड के लिए है? बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न में आप, नॉर्थ ईस्टर्न के सारे स्टेट है सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी है 3249 की, ठीक है। और ये भी है अच्छी वैरायटी हमारी, ठीक है। इसकी हाइट भी, हाँ इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं जाती है और मीडियम हाइट है, तो ये भी अच्छी पैदावार देती है, इसको भी लगा सकते हैं। तो ये एक दो साल पुरानी हुई? एक दो साल पुरानी, जैसे ये है 3226 वैरायटी हमारी है, ठीक है। तो 3226 की उपजाऊ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, जितनी भी यहाँ पे लगी हुई है सबसे ज़्यादा है। कितनी औसत पैदावार हो जाती है? इसकी औसत पैदावार तो आप देखेंगे तो 62 किलो के आसपास, 62 क्विंटल पर हेक्टर की जाती है इसकी, ठीक है। तो लेकिन अगर इसका पोटेंशियल यील्ड देखेंगे तो ये 70 के आसपास भी जाती है, 70 क्विंटल पर हेक्टर जाती है, ठीक है। कितनी जाती है जी? 3271? ये 50 के आसपास जाती है, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, हाँ हेक्टेयर के हिसाब से। और ये जी 3249? 3249 भी जाती है 50 क्विंटल के आसपास, जाती है, ठीक है जी। अब इनके दिन वगैरह और बताइए कि कितने दिन में ये पककर के तैयार हो जाती है? ये तो 140 142 दिन में तैयार हो जाती है। कितनी लेती है जी? ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी। अच्छा। तो ये 110 के आसपास सेंटीमीटर की है इट की हाइट है, ठीक है। और इसकी गिरती तो नहीं है? ये थोड़ी सी कभी अगर हवा चली, आपने पानी लगाया तो हो सकता है ये गिर जाए, हाँ ठीक है। लेकिन ये वाली वैरायटी है ये थोड़ी सी गिरती नहीं है, ठीक है। इसकी हाइट कम रहती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। अच्छा जी। हाँ इसकी पैदावार भी अच्छी है, 3249 उसकी हाइट भी ठीक है, इसकी हाइट में गिरती नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने पूसा की जो नई वैरायटी है उनके बारे में जाना। बाकी पूसा की मैं आपको सारी किस्में दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी किस्मों के इनके बीज चल रहे हैं। आप गेहूँ के सारे बीज देख सकते हैं, ये इनके गेहूँ के बीज यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आइए आगे स्टाल है अपनी सरसों की, सरसों के लिए सरसों मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो कौन सी वैरायटी नई आई सर पूसा की सरसों में? पूसा की पिछले साल वैरायटी रिलीज हुई है पूसा मस्टर्ड 32। 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बिजाई की जाती है, 145 दिन के आसपास ये पक जाती है। इसमें जो तेल की क्वालिटी है वो हमारी जो पुरानी वैरायटीज हैं उनके मुकाबले इसमें इरूसिक एसिड less than 2% है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये और बताइए कि इसकी औसत पैदावार कितनी हो जाती है? इसकी औसत पैदावार 25 से 30 क्विंटल है प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार है। हाँ। और सर इससे अलग कोई वैरायटी आपकी जैसे पूसा सरसों 31 है? ये पूसा सरसों 31 में इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट दोनों गुण हैं, ये इसको 00 कहते हैं। जिस खली में ग्लूकोसिनोलेट नहीं है उसको हम बिना जुगाली करने वाले जैसे मुर्गी है, बत्तख है, इनको भी खिला सकते हैं, जबकि जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं उनकी खली को हम इनको नहीं खिला सकते। ये सर पीली है किस कारण से है? इसके बीज का रंग पीला है, ठीक है। और जो नई ये दो ही वैरायटी आई अपनी? हाँ ये दो नई हैं, बाकी जो हमारी वैरायटी हैं ये समय के हिसाब से बोई जाती हैं। सरसों को सितंबर के महीने में बोया जाता है, जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो वर्षा के पानी की जो नमी है उसका उपयोग करके सितंबर के महीने में इनकी बिजाई कर सकते हैं। कौन सी वैरायटियां सितंबर में बोई जा सकती है सर? पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड 27 है, पूसा मस्टर्ड 28 है, पूसा तारक है, पूसा अग्रणी है और पूसा महक है। ये अपनी सितंबर में बोई जाएंगी? हाँ ये सितंबर में बोई जाएंगी और लगभग 115 दिन या 100 और 115 दिन के बीच में ये पक जाती हैं।
अच्छा ये बताइए कि थोड़ी लेट वैरायटी कोई? दूसरी वैरायटी जो बोई जाती है वो 15 अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, जिनको हम समय से बोने का कहते हैं। उनका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 145 दिन है, वो 15 अक्टूबर के आसपास बोई जाएंगी और मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल में उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। औसत पैदावार उनकी 20 से 25 क्विंटल के आसपास है। उसमें हमारी पूसा विजय वैरायटी है, पूसा मस्टर्ड 30 है। तीसरी जो धान के खेत हैं वो अक्टूबर के आखिर में खाली होते हैं, तो वहाँ पर हम नवंबर में बिजाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पूसा मस्टर्ड 26 वैरायटी है, जो कि लगभग 115 दिन में पक जाती है। इनकी औसत पैदावार सर 18 से 20 क्विंटल, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी हैं। हाँ, और ये पूसा 28 है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, लगभग 115 दिन में पक जाती है। पैदावार इसकी लगभग 18 क्विंटल होती है। सितंबर में बुआई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, थैंक यू सर। किसान भैया, ये इनकी बाजरे की वैरायटी है। बाजरे की वैरायटियों में जो है पूसा 1201 है, 1803 है और 1801 है। ये इनकी बाजरे की तीन इन्होंने नई वैरायटियाँ लगाई हैं। आइए थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ आगे चने की वैरायटियाँ हैं इनकी। जो चने की वैरायटियाँ हैं उनके अंदर जो है पूसा 20211 है, 30-43 है और काबुली चने में जो है इनकी 30-22 वैरायटी है। पूसा की चना की जो है 10216 है। पूसा की जो चने की है वो 30-62 है। सरसों की 31 है, पूसा सरसों 25, सरसों 28, सरसों 27, ये इनकी सरसों की जो है वैरायटियाँ हैं। 26 है, 32 है, ये इनकी नई नई वैरायटियाँ इन्होंने यहाँ पर शो की है। किसान भाइयों, ये जो है पूसा की 12 नंबर वैरायटी है और ये पूसा 6 सोयाबीन की वैरायटी है। पूसा सोयाबीन की जो वैरायटी है ये 97/12 है। मूंग की 16/41 है, जिसको पूसा रिकमेंड करता है। पूसा 13/71 है, पूसा 14/31 है। ये मूंग की थी। ये आपके सामने मसरी है, मसरू जिसे बोलते हैं मिसरी। ये आपकी है PDL1 L4727 PSL 9 और ये भी आपकी है 4729 है, ये है 4717। अगर अरहर की क्वालिटियों की बात करें कि यहाँ कौन कौन सी दिखाई गई हैं, तो अरहर की क्वालिटियाँ यहाँ दिखाई गई है 16 नंबर, 2002, 2001 और 991 और 992, ये यहाँ पर अरहर की क्वालिटियाँ दिखाई गई हैं। आइए किसान भाइयों आगे चलते हैं।